जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकल के आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर के ऑलरेडी उनके द्वारा कार्य प्रगति पर है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो डेलीगेशन है इस समय इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है और वो इंडियन वेंडर्स के साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस समय अलग अलग इंडियन वेंडर्स के साथ जो डिस्कशन है ये चल रहे हैं। ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी जहां पर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो किया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एक वर्ष के अंतर्गत इस प्रोग्राम को मटेरियलाइज कर लिया जाएगा और इस पे कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर हम रडार सिस्टम की बात करें तो ये इस रडार के एनहेंस वेरियंट को इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा इसमें 51 मेजर और माइनर अपग्रेड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसके चलते इनकी जो कैपेबिलिटी है वो पूरी तरीके से इन्हेंस हो जाएगी और ये एयरक्राफ्ट आपको 2040 से 45 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस पर देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट यूरोफाइटर टाइफून को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि MRFA प्रोग्राम में राफेल को जो सबसे बड़ा कंपटीशन मिलना है वो यूरोफाइटर टाइफून से ही मिल रहा है और एक के बाद एक इसको लेकर के अट्रैक्टिव ऑफर भारत के सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम समेत कई देश जो कि टेम्पेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा है वो 2040 तक टाइफून को रिटायर करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ र्यूमर्स थे जहाँ पर कहा जा रहा था कि क्या अब कोई देश टाइफून को खरीदेगा, क्या भारत को ये खरीदना चाहिए। तो इस पर जवाब देते हुए एयरबस के अधिकारियों ने कहा कि आप जो चीज सोच रहे हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 या इसके बाद के जो वेरिएंट है 2060 तक तकरीबन सर्विस में बने रहेंगे और अगर भारतीय वायुसेना इसको सेलेक्ट करती है तो भारतीय वायुसेना को लगातार जो सपोर्ट है वो भी मिलता रहेगा। यूरोफाइटर कंसोर्टियम भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए भी अब लगभग तैयार है। इसके अलावा जो इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि इसमें आपको जो इवोल्यूशन पैकेज है वो भी मिलेगा, यानी कि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो विकसित होती है अगर वो टाइफून के लिए कंपैटिबल है तो भारत को वो तुरंत ऑफर की जाएगी। इसके अलावा ये एक कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट होंगे, राफेल के तुलना में ये काफ़ी कम प्राइस में भारत को ऑफर भी किए जाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि टाइफून के साथ आपको MBDA मीटियोर, M9 साइड वाइंडर, एश रैम जैसी जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी और इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए भी यूरोफाइटर कंसोर्टियम पूरी तरीके से तैयार है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि राफेल यहाँ पर एक तरफा इससे जीत सकता है तो आपको MMRC-1 की स्थिति बता दें, जहाँ पर एक माइनर मार्जिन से राफेल को विजयी घोषित किया गया था, लेकिन टाइफून भी उससे कहीं भी कम नहीं था और इस समय एयरबस को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि वो MRFA प्रोग्राम में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके पहले आपको याद होगा उन्होंने भारत को ट्रेंच 5 के साथ साथ फ्यूचर का जो टेम्पेस्ट प्रोग्राम है या FCAS प्रोग्राम है इसमें भी जो भागीदारी है उसका निमंत्रण दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली देखें तो MRFA प्रोग्राम में कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। हाँ, परसों या कल शायद IDRW की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों से बात करी थी और उन अधिकारियों ने ये कहा है कि इस समय जो देरी हो रही है वो जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है इसको प्रदान करने में हो रही है और अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो कि उम्मीद है कि इस वर्ष के खत्म होने से पहले प्रदान कर दी जाएगी उसके तुरंत बाद आगे का कार्यवाही शुरू होगी और इंडियन एयरफोर्स तो यही कोशिश कर रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस डील को फाइनलाइज किया जा सके, क्योंकि अब बहुत देर हो रही है और ज़्यादा देर इंडियन एयरफोर्स अफोर्ड नहीं कर सकती। माना जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो नई सरकार का गठन होगा उसी के कार्यकाल में ये जो MRFA प्रोग्राम है उसका गठन किया जाएगा या उसको फाइनलाइज किया जाएगा और इस समय इंडियन एयरफोर्स यही एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल के खत्म होने से पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी उनको मिल जाएगी। प्रबल दावेदारों की बात करें तो भारत के जो पूर्व वायुसेना के अधिकारी हैं वो अभी भी राफेल का समर्थन कर रहे हैं इस तर्क के साथ कि भारत ने ऑलरेडी इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, भारत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी उपलब्ध है और ऐसे में अगर हम नए टाइप के फाइटर की तरफ जाते हैं तो हमें फिर से यही सारा काम करना पड़ेगा, यानी कि एक नए सिरे से हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है। तो इससे अच्छा यही है कि राफेल जो कि सर्विस में है इन्हीं को खरीदा जाए। जैसा कि हम सब ने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में ये सुन रखा है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है अब IMRH और दूसरे जो प्रोग्राम है इसको अपने इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ाएगी, तो इसी क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फोर्थ क्वार्टर की जो अर्निंग रिपोर्ट है उस पर यह कन्फर्म कर दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो फंड है उसको एलोकेट करेगी दो अपने बड़े क्रूशल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए। रिपोर्ट में पहले नाम आता है IMRH का, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इनमार्क किया गया है जहां पर IMRH का निर्माण किया जाएगा। ये एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म होगा जो कि पूरी तरीके से मिलिट्री रोल को समर्पित होगा। इसमें ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, रिकॉनसेंस मिशन एग्जीक्यूट किए जाएंगे। IMRH बेसिकली भारत का जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है उसको रिप्लेस करने का काम करेगा और ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी के लिए भी विकसित किए जाएंगे। ये एक एडवांस मल्टीरोल प्लेटफॉर्म होने वाले हैं।
इसके अलावा एडिशनल 2000 करोड़ रुपए जो है ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन प्रोग्राम जो कि भारतीय नौसेना के लिए बनाए जाने हेलीकॉप्टर इनके लिए आवंटित किए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर बेसिकली ALS थ्रू प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे, लेकिन इनका मुख्य तौर पर इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के द्वारा किया जाएगा और ये शिप से भी ऑपरेट किए जा सकेंगे। इनका जो मुख्य रोल होगा मैरिटाइम पेट्रोल, सर्विलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इसके अलावा ऑफशोर ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। यानी इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और ALS ध्रुव का जो मरीन वेरिएंट है इसको लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गंभीर है और इसीलिए उन्होंने जो फंड्स हैं इनको एलोकेट करने का निश्चय किया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर के आ रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत कुछ बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट हैं जिनको अप्रूवल दिया जाना है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आ नहीं जाते इनको अप्रूवल दिया नहीं जा सकता। और अगर हम प्राइम जो हथियार हैं इनकी बात करें जिनको लेकर के चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एडिशनल K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल हॉबिट्स का। इसके बाद फाइटर जेट के जो इंजन है ये खरीदे जाएंगे और ये इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद सेंटर का प्राइम एजेंडा होने वाले हैं। इन डील्स की अगर हम बात करें तो पहले इन्हें मार्च में ही अप्रूवल मिलना था, लेकिन बाद में इलेक्शंस के चलते इनको पोस्टपोन कर देना पड़ा। K9 वज्र की बात करें तो ये भारतीय थल सेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और भारतीय थल सेना के रिक्वेस्ट पे तकरीबन 100 से ज्यादा जो K9 वज्र है इनका ऑर्डर दिया जा सकता है, या एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो एडिशनल 100 K9 वज्र का जो ऑर्डर है ये दिया जा सकता है और इसे भारतीय थल सेना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के आई फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है जहां पर एडिशनल 240 के आसपास जो जेट इंजन है इनकी खरीद की जानी है, इसको भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो अप्रूवल है ये मिल सकता है ANI की रिपोर्ट की बात माने तो। और ये जो इंजन है इनकी कीमत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए होगी और ये डील साइन की जाएगी। इन इंजन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उनकी जो कह सकते हैं फैसिलिटी है कोरापुत उड़ीसा में वहां पर किया जाएगा। इसमें बहुत सारे इंडिजनाइजेशन भी हमें देखने को मिलेंगे, कई क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो कि रिप्लेस किए जाएंगे इंडिजनस कंपोनेंट से। वहीं मैदानी और GTRE के सहयोग से कुछ जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगला जो बड़ा डिसीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि 61 क्लोज इन वेपन सिस्टम और हाई पावर रडार सिस्टम जो है इनको भी अप्रूवल मिल सकता है और भारतीय नौसेना के भी कुछ बड़े प्रोग्राम है जिनको अप्रूवल दिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A की जो डील है जो कि 65,000 करोड़ रुपए की है ये भी अंडर प्रोग्रेस है और इसमें भी इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले निर्णय आ सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रुद्रम 2 मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काफी लंबे समय से इस मिसाइल पे काम कर रही है और हमें ये अंदाजा था कि कभी भी इस मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है और कल वैसा ही हुआ है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के आई फाइटर एयरक्राफ्ट से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 29 मई 2024 को 11:30 आवर्स पे जो रुद्रम 2 मिसाइल है इसका सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट किया जाता है और इस टेस्ट के दौरान जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ये पूरे कर लिए गए हैं। जहां पर इनके जो प्रोपल्शन सिस्टम है, कंट्रोल और गाइडेंस एल्गोरिथम है उसको वैलिडेट किया गया है और जो परफॉर्मेंस है ये भी वैलिडेट हुई है और जो इंपॉर्टेंट फ्लाइट डेटा है उनको भी कैप्चर कर लिया गया है। अब इसके आधार पर जो आगे कार्य है वो होगा। रुद्रम 2 भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एक सॉलिड प्रोपेल एयर लॉन्च सिस्टम मिसाइल सिस्टम है जो कि एयर टू सरफेस रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हमें दो टाइप की मिसाइल देखने को मिलेंगी, एक एंटी रेडिएशन एक ग्राउंड अटैक मिसाइल देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।